हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। बरसात से काठगोदाम क्षेत्र के आमखड़ी नाले की दीवार भी टूट गई थी, जिसके कारण आसपास के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी और कीचड़ घुस गया, जिसे प्रशासन ने नगर निगम की टीम से साफ करवा कर निकलवाया। वहीं बीती देर रात फतेहपुर में बावन डाट के पास नाले में काफी पानी आ गया था। इस दौरान वहां पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। गनीमत रही कि कार में बैठे दोनों लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। एसडीएम पावितोष वर्मा ने बताया कि हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। आमखड़ी नाले की दीवार टूटने से प्रभावित हुए लोगों के घरों में पानी और कीचड़ घुस गया। जो भी नुकसान हुआ है, प्रशासन ने ऐसे 100 से अधिक लोगों को चिन्हित किया है। एसडीएम पवितोष वर्मा ने लोगों से बरसात के मौसम में अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो बारिश हुई आबादी में हो गया, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान घर में पानी मंडला जाने के कारण और कई नदी नाले उफान में होने के कारण भी एक जगह कारण बहने की सुविधा थी, जैसे कि सभी लोग सुरक्षित भी निकल गए और जिन घरों में मलबा अधिक घुसा है उनको मौके पर कार्रवाई की जा रही है। अभी 100 से अधिक चेक हम लोग वितरित कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का अलर्ट भी है और समय समय पर मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक आवश्यक ना